मेरी अर्धांगनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई ऑफिस में जाकर काम कर रहा था, तुरंत मिसेस जाला ने मेरे को वापस बुला लिया। मायू ए मायू, तेरी मम्मी ने मेरे को वापस बुला लिया के जाओ साबुदाना लेके आओ। फिर क्या लेके आओ, आज कौन सा उपवास है तुम्हारा? पतिव्रता अमास। बोलो प्रतिव्रता पतिव्रता पतिव्रता अमास का उपवास किया है। पानी लेके आओ, लेके आओ, बच्चे को पिलाओ। मैं तो भाई ये उपवास में अभी साबुदाना खाएगी, ऐसा बोल रही है मायू। ए मायू देख तो सही। बबाड़ 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 बबाड़। कल कैसा रील में हंस रही थी, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। देखा था तुमने? देखा व्लॉग के नहीं देखा? व्लॉग कभी बाकी नहीं देखने का। बोलो ये घर में ही ऐसे फिर बोलते व्यूज ज्यादा नहीं आते, कहाँ से आएंगे? काम आप करो फिर। चलो ठीक है भाई, मैं लेके आता हूँ इसको, जो चाहिए लेके दे देता, फिर अपना अपना काम करते। लेट्स गो। फिर आज देखते हैं शायद मूवी देखने जाने का सेटिंग होता है कि नहीं। गदर या ओएमजी देखते हैं। देखो देखो मूवी देखने ही आए हो, देखो आराम से चिल करो। हमने तो 3 साल हो गए कोई मूवी ही नहीं देखी। तो इसको छोड़ दे, मम्मी के साथ बोल दो अपने जाते। चलो पक्का? प्रॉमिस? चल। देखो भाई इसकी माँ ने, देखो 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 मेरे को मायरा को पकड़ा दिया। देखो भी लेने भी जा रहा हूँ, भी चलते चलते जाना पड़ेगा बिना एक्टिवा लेके। अब इसको लेके जाऊंगा, चलते चलते जाना पड़ेगा मायू। और ये भी अब उतरेगी नहीं। ईची भाई देखो, डायबिटीज को कंट्रोल में लाने के लिए एक टाइम ऐसा खाना चालू किया अपने, ये बहुत ही बेस्ट हेल्थ के लिए। तो अभी ऐसा खाना खाएंगे डेली एक टाइम। ऐसा खाता हूँ लेकिन बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन अब तो कंपलसरी ऐसा ही खाएंगे, बिकॉज अभी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या बोलती मायू? हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हेल्थ इज वेल्थ मायू। मिसेस जाला का फोन आया कि आ जाओ घर पे, तो हमको पता चल गया कि चाय का ऑर्डर आ गया है, तो चाय पीने आए। ओ मेरी अर्धांगनी, थैंकू 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 रे, थैंकू 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 रे। ऐसे मेरा मन में कमेंट हो जाता हूँ, मैं तो आई मैं तो डर गई, हाय मैं तो डर गई मायू। चलो भाई चाय पी के बैक टू वर्क, फिर शाम को देखने जाएंगे मूवी। भाई देखो थोड़ी देर के लिए इसको लेके आया था इधर चौक, पता नहीं कैसे इसके हाथ में आ गया। अभी घर में तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, इधर ऑफिस में भी हालत नहीं हुई है मायू। यार अभी छुड़वा भी नहीं सकते। मायू दे देना, मायू दे दे बेटा। मायू दे दे मेरा प्यारा बच्चा, दे दे मेरे को चौक, दे 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 ना मायू मायू। अरे यार अभी हालत खराब हो गई भाई, अभी इसको ले जाके उधर छोड़ना पड़ेगा वरना सारा बिगाड़ है। मायू दे ना बेटा, अगर इसके हाथ में हाथ में चौक रहा तो हालत खराब कर देगी पूरे रूम की। मायू दे बेटा, मायू दे दे मायू। नहीं अरे यार आजा आजा, तेरे को उठा के ले जाऊंगा। देखो भाई उसकी मम्मी ने चौक ले लिया कैसे, रोताड़। अब येलो चौक। देखो भाई कपड़े लेते लेते इसकी क्लिप दो इधर गिर गई, क्या करूं? जाने दो कि कूद के ले आओ, जान पे खेल कर बोल जा रहा हूँ। चलो भाई तो बिल्कुल रेडी है मूवी देखने के लिए, तो मूवी देखने जाऊंगा। ये मेरे को पूछ रही थी अपने कब जाएंगे, तो मैंने बोला मम्मी को दे दे मायू को, तो अपने साथ में जाते हैं। वरना पूछ रही थी कि कितना वेट करना पड़ेगा, तो इसको मैंने बोला कि और 1 साल फिर मायू को ले जा सकते। बाकी अभी अगर मायू को लेकर जावे तो सोचो कि क्या हालत हो गए, पूरा थिएटर पाकू थिएटर माथे ले हो हमारी छोकरी। भाई नहीं बोलूंगा इसको वरना लोचा हो जाए। भाई भाई धीरे से भाई।
जालो जालो बड़ी बड़ी होगी ना कहीं नहीं जाएगी। चलो लेट्स गो। नंदी देखो देखो ये नाटक कर रही है। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। आजा आजा आए आयो हाय बीबी हाय बीबी बाय बाय मायो बाय बीबी बाय 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 मायू बाय 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 सी या हाय मायू हाय मायू हे क्या लेके आई मायू हे बाबू सारे बॉल्स लेके आई मायू क्या गिरा। तो फाइनली भाई OMG 2 मूवी देखकर आ गए और सीरियसली भाई ऐसा बोले कि भाई बहुत टाइम बाद ऐसी कोई हिंदी मूवी देखी जिसमें समझ लो 2.5 घंटे की मूवी लेकिन एक सेकंड के लिए कहीं ऐसा नहीं लगा कि जरा सा भी कहीं बोर हो रहे हैं और साथ साथ में ये मतलब ओपनली सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की गई है मूवी में बराबर और तुमको मतलब साथ एजुकेशन देने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दिया गया है। और पंकज त्रिपाठी सर की क्या बात करें, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है प्रेजेंट किया है अपना कैरेक्टर भाई गजब। उनकी टाइमिंग डायलॉग की टाइमिंग ने वो सब आप देखोगे तो आपको एक समझ लो कि एक शिक्षण लेने जा रहे हो आप एंटरटेनमेंट के साथ तो ऐसी मजा आने वाली अगर आपको। और जैसे भाई पहले बातचीत चल रही थी कि भगवान की आस्था को सेक्स एजुकेशन के साथ जोड़ रहे ऐसा, लेकिन मूवी देखने के बाद आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ एक्चुअली में मूवी में दिखाया गया है कि किसी भी किसी को भी कोई दुख लगे या ऐसा कुछ नहीं है बराबर। और सही में ये मूवी तो हमको तो देखनी चाहिए साथ साथ में, हो सके तो बड़े जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के 15 साल के जो स्कूल में पढ़ रहे मतलब स्कूल ख़त्म होने आई है कॉलेज में पढ़ रहे उनको भी खास देखनी चाहिए। और उसमें ये सारी चीज़ें भी बताई गई है कि कैसे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ी अवेयरनेस हमको करवानी चाहिए। और भाई ओवरऑल मैं मूवी देख के आया हूँ, मैं मूवी रिव्यू तो नहीं करता लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मेरे को बहुत मजा आई। और मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ कि आप भी अगर मूवी देखने जाओगे तो आपको 110% बहुत ही मजा आने वाली। हाँ ये हो सकता है कि आप फैमिली के साथ ये मूवी देखने ना जाना पसंद करो लेकिन ये मूवी ऐसी ही बनी है कि फैमिली के साथ ही देखनी चाहिए तभी इसका जो है मतलब असर होगा। तो अच्छी मूवी है, समझने लायक मूवी है, साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी है। तो अगर नहीं देखी तो जल्दी से जल्दी जाओ और ये मूवी पहले देख के आओ। तो मायू हाय, अभी अपना क्या प्रोग्राम है बेटा? वो तो बॉल लेके बैठी है, खेलेंगे हम शांति से, है ना बेटा? वो बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी।